खुशियों के बारे में बाइबल की आयतें। हम सभी अपने अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी पाने की कोशिश में यह हमारे लिए संघर्ष बन जाता है और कई बार हम सभी गलत स्थानों या तरीकों से इसकी खोज करते हैं। इसके बावजूद भी हमें खुशी नहीं मिल पाती, जबकि उत्तर बहुत सरल होता है, ईश्वर। खुश हैं वे लोग जिन्होंने अपना आधार ईश्वर को माना है, जिनके पास ईश्वर है। केवल परमेश्वर में आप सच्ची खुशी पाएंगे। बाइबल हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से खुशी के लिए मार्गदर्शन करती है। बाइबल के इन वचनों को पढ़ें, जो आपको खुश रहने के लिए मार्गदर्शन करेगी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद दान करता है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कूढ़ जिसके काम सुफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें और परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।